आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, पहाड़ी रास्ते पर एक मोड़ पर सड़क 10 मीटर के वृत्ताकार पथ में मुड़ी है और क्षैतिज से 10 डिग्री पर झुकी है। किस चाल से एक वाहन इस मोड़ पर चले कि सड़क द्वारा लगे अभिलंब बल से ही अभिकेंद्र बल लगाकर वाहन को वृत्ताकार पथ में चला सके। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि मान लिया जो पहाड़ी है उस पर जो वृत्ताकार पथ है वो कुछ इस तरह से है और उस पर ये जो कोण है ये थीटा कोण से झुकी है और इसका जो झुकाव दिया हुआ है हमें प्रश्न में, इसका जो झुकाव दिया हुआ है मतलब थीटा का जो मान दिया हुआ है वो दे रखा है कितना, 10 डिग्री हमें दे रखा है। और इसकी जो त्रिज्या है, इस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है इसका मान दे रखा है। अगर हम इसको आर से लिखें तो हमें यहाँ पर पथ की त्रिज्या आर का जो मान दे रखा है वो कितना है, ये है 10 मीटर, ये हमें दे रखा है प्रश्न में। तो हमें पता करना है कि किस चाल से एक वाहन इस मोड़ पर चले कि सड़क द्वारा लगे अभिलंब बल से ही अभिकेंद्र बल लगकर वाहन को वृत्ताकार पथ में चला सके। तो यहाँ पर अगर कोई वाहन चलेगा जिसका द्रव्यमान m है तो उस पर एक बल लगेगा ऐसे mg गुरुत्वीय बल, और चूंकि ये कोण थीटा है तो इस दिशा में एक बल लगेगा, इसका जो घटक होगा वो कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और इस दिशा में जो इसका घटक होगा वो जाएगा कितना mg sin थीटा के बराबर। और यहाँ पर एक अभिलंब बल लगेगा, प्रतिक्रिया बल भी जिसको बोलते हैं, अगर इसको हम n लिखें तो ये हो जाएगा n, और यहाँ पर चूंकि ये वृत्ताकार पथ में गति तो इस पर इस दिशा में एक बल लगेगा, उसका मान होगा कितना एम वी स्क्वायर बटे आर जो कि अभिकेंद्रीय बल होगा। और दे रखा है कि ये जो n है, जो प्रतिक्रिया बल है, जो अभिलंब बल है, इसी के कारण इसमें जो अभिकेंद्र बल है वो मिलता है। तो यहाँ पर चूंकि जो n है, जो अभिलंब बल है, उससे अभिकेंद्र बल मिलता है, तो हम क्या करते हैं, ये जो कोण है वो पूरा थीटा दे रखा है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये 90 है। तो इस दिशा में अगर इसको हम यहाँ से इसका घटक लिखें तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n cos थीटा के बराबर, और इस दिशा में जो इसका मान होगा वो कितना हो जाएगा, इस दिशा में इसका मान होगा n sin थीटा के बराबर, क्योंकि ये वाला जो कोण है ये थीटा है, तो यहाँ से हो गया n cos थीटा और ये हो जाएगा कितना n sin थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो n cos थीटा है ये बराबर है किसके, ये बराबर है एम जी के, और जो n sin थीटा है इसी के कारण इसको अभिलंब बल मिलता है, सॉरी अभिकेंद्र बल मिलता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर बटे आर के। तो ये हो गया समीकरण एक और ये हो गया समीकरण दो। तो हम क्या करते हैं, समीकरण दो को समीकरण एक से भाग देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा n sin थीटा बटे n cos थीटा का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एम बी स्क्वायर बटे आर बटे एम जी के बराबर। तो यहाँ से n कट जाएगा और जो sin थीटा बटे cos थीटा है इसका मान आ जाएगा कितना, tan थीटा, और यहाँ से m कट जाएगा और यहाँ से जो tan थीटा का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर आर इंटू जी। तो यहाँ से हमें tan थीटा का मान मिल गया कितना, tan थीटा का मान मिल गया v स्क्वायर बटे आर इंटू जी। और हमें पता क्या करना था, हमें पता करना था कि किस चाल से एक वाहन इस मोड़ पर चले कि सड़क द्वारा अभिलंब से ही अभिकेंद्र बल लगकर वाहन का वृत्ताकार, वाहन जो है वो वृत्ताकार पथ में चल सके। तो यहाँ पर जो चाल है वो हमने v माना है, तो यहाँ से अगर हम v का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, v स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा r इंटू जी इंटू टेन थीटा के बराबर। तो यहाँ से जो v का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, वो जाएगा अंडर रूट r इंटू जी इंटू टेन थीटा के बराबर। और यहाँ पर हमें r का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है कितना 10। तो यहाँ से हमारे पास जो वी का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट 10 गुणे जी का मान 9.8 लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 9.8 इंटू टेन 10 डिग्री। तो यहाँ से जो वी का मान आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 98 इंटू टेन 10 डिग्री का जो मान होता है वो होता है लगभग 0.177 के बराबर। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो जो v का मान आएगा ये हो जाएगा लगभग अंडर रूट 17.28। तो यहाँ से जो v का मान आएगा ये आ जाएगा लगभग 4.15 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हमें जो v का मान मिल गया, मतलब जो चाल है उसका मान मिल गया कितना, 4.15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।
कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।